Hello friends, welcome back to my channel. Today is 4th May 2018 and I am back with one more tutorial, learning and review video of my awesome Nifty strategy. So friends, ye awesome Nifty strategy jo hai, ye to aap sabko pata hai ki ye this is my observation for last few years, maine conceptualize kiya. And aaj ke din mein ye strategy ne hame 10 se 30 point ke range mein profit bhi diya. So friends, you must be curious to know ke ye 10 se 30 aisa kyu bataya. Okay, so aaj ka din kafi exciting tha, you know, like right from the morning till the end of the day, almost till like 2 to 30, kafi excitement tha. Market was going up down, people were making profit, they were very happy and sharing that kisne kitne lot mein kitna profit kamaya, and it was all throughout a very positive day from a learning standpoint, from a profitability standpoint, guys. So सीधा मैं चार्ट पे जाता हूँ because ये आज का दिन थोड़ा tricky था. So मेरा video please end तक देखिएगा because it's not a straightforward day. थोड़ा देख लेंगे तो आप लोगों को ही अच्छा होगा because I believe that this channel is dedicated towards all those people who are interested in learning stock market techniques. And इसके लिए उन लोगों के लिए ये काफ़ी interesting सा day था आज. ओके सो फ्रेंड्स, आज का दिन ऐसा था. पहला कैंडल जो दिन का था, इट वाज अ ग्रीन कैंडल. द प्राइस कैंडल वाज ग्रीन, ऑसम वाज रेड, एडीएक्स वाज रेड, तो कोई सेटअप नहीं बन रहा था एंट्री करने के लिए. कंफर्मेशन कैंडल हमें जो मिला था फॉर एंट्री, इट वाज दिस थर्ड कैंडल ऑफ द डे, दैट वाज 9:45 वाला कैंडल. अगर आप 9:45 का कैंडल देखोगे तो -10 से कम था, -10 से ज़्यादा था ऑसम ऑसिलेटर का वैल्यू. एंड ऊपर का जो प्राइस एक्शन कैंडल था दैट वाज रेड इन कलर, आरएसआई वाज मोर देन 35 एंड डेफिनेटली डीएक्स वाज रेड ऑन टॉप. तो ये सब कॉम्बिनेशंस जो होते हैं दैट इज़ अ आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर शॉर्ट सेलिंग. अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हो, द ट्यूटोरियल वीडियो पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ ऑसम निफ्टी स्ट्रेटजी, माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज़ प्लीज गो थ्रू दोज टू वीडियोज़. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. Until and unless you watch them completely thoroughly, you will not understand this high profitable strategy, guys. Okay, so please एक बार देख लीजिएगा, आसानी होगी आपको मेरे सारे videos को follow करने में. So जैसे ये candle form हो गया, उसका अगला candle बनते ही हमें entry लेना है. Okay, range का ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना है हमें, उस candle का ख़त्म होने तक का इंतज़ार नहीं करना है हमें, तुरंत एंट्री लेना है द मोमेंट द कैंडल फॉर्म्स. अभी हर एक ट्रेडर अलग अलग स्टाइल में ट्रेडिंग करते हैं. समबडी माइट हैव जम्प्ड इन राइट एट द मोमेंट, समबडी माइट हैव वेटेड फॉर 2-3 मिनट्स टू एंटर, एंड उसके बेसिस में प्लस माइनस 5 पॉइंट्स का वेरियंस है. मतलब 10,674 वॉज द आइडियल एंट्री प्राइस फॉर एज पर दिस स्ट्रेटजी, बट कुछ लोगों ने ऊपर भी किया, नीचे भी किया, इन एन अराउंड दिस प्राइस रेंज में किया. उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, हमने एंट्री ले लिया. लेने के बाद हमें वेट करना है टारगेट. डेफिनेटली यू ऑल नो इट वेरी वेल दैट टारगेट हमारे स्ट्रेटजी का हमेशा जो लास्ट पिवट लाइन होता है, पिवट पॉइंट्स का जो फिबोनाची पिवट पॉइंट्स हम देखते हैं, उसका जो बॉटम मोस्ट लाइन होता है दैट इज़ आवर टारगेट. व्हेन वी आर गेटिंग इन टू अ शॉर्ट साइड ऑफ इट, स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी फर्स्ट कैंडल जो है दिन का, पहला कैंडल का 5 पॉइंट ऊपर, वो हमारा स्टॉप लॉस है जो आज के दिन में हिट तो हुआ नहीं. एंड टारगेट जो है ये हमारा ये था, जो टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, बट वी प्लेड समवेयर इन बिटवीन. सो आई विल वॉक यू थ्रू गाइस के क्या किया था आज के दिन में हम लोगों ने. सो फ्रेंड्स, क्या किया था हम लोगों ने, तो एंट्री तो हमने ले लिया. लेने के बाद वी हैव टू वेट एंड वॉच, लाइक एवरी 15 मिनट्स वी जस्ट नीड टू गेट इन टू द पोर्टल एंड सी कि क्या सेटअप बन रहा है, एग्जिट बन रहा है कि और कुछ बन रहा है. एंड देन ग्रेजुअली वी सॉ दिस 3 रेड कैंडल्स. Okay, these 3 red candles means the candle starting 11:15 AM, 11:30 and 11:45. तो जैसे ये 3 candle हम देख रहे हैं, it's a clear indication of 3 dark crow kind of a candle. बहुत ही सिंपल सा कैंडल है, इसमें कोई टेंशन नहीं था. क्लियर कट इसका वॉल्यूम जो है, अगर आप देख रहे हो, इसका वॉल्यूम वॉज ऑल्सो इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन तीनों कैंडल्स का. ये जो तीनों वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पर, एंड RSI वॉज ऑल्सो मोर देन 30. ओके, सो बिकॉज जब हम लोग 3 white soldier या 3 dark crow का सेटअप देखते हैं, जो मेरे ये ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी में condition 2 फॉर buy साइड एंड condition 4 फॉर सेल साइड में मैंने काफ़ी elaborately एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिए हम लोग RSI का वैल्यू 70 देखते हैं एंड 30 देखते हैं. तो ये 30 के ऊपर था,
सो इट मीन्स दैट इट विल मेक अ एंट्री जब अगर इस प्राइस तीनों का कैंडल का रेंज के नीचे अगर ब्रेक होगा तो हम इस पे एंट्री ले सकते हैं. ओके एंड लुकिंग एट द वॉल्यूम ऐसा लग रहा था कि येस बहुत ही जल्द यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे. लेकिन फ्रेंड्स देर इज़ अ लिटिल कैच. ओके सो कैच क्या है, जस्ट लुक एट दिस रेंज. ओके सो ये रेंज को देखने के लिए मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. इट विल बी इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. लेट मी पुट येलो कलर. ओके सो ये देखिए, ये जो तीन रेड कैंडल का रेंज था, दिस वॉज द हाइट ऑफ दैट, द हाई ऑफ दिस थ्री कैंडल्स रेंज एंड दिस वॉज द लो ऑफ दिस थ्री कैंडल्स रेंज. तो अगर आप ये हाई एंड लो देखते हो, ओके लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम हियर. यस तो अगर आप हाई और लो देखते हो एंड वहाँ से इस पॉइंट से अगर आप देखते हो कि नीचे वाला जो टारगेट है, अपना जो टारगेट पॉइंट है, वो कितने दूरी पे है, वो 1:1 से कम रेंज पे था. सो ये जो वैल्यू है, लाइक इट्स समवेयर अराउंड 10,647 वहाँ से लेके 10,682, ठीक है. ये जो रेंज है, इस रेंज का जो टोटल डिफरेंस है, दैट इज़ लाइक 82 - 47, इट विल बी समवेयर अराउंड 35-36 पॉइंट्स. वहाँ से लेके इस एंट्री पॉइंट से लेके नीचे वाला जो पाइवट लाइन है वो काफ़ी कम था. इट वॉज लेस देन 1:1. सो हेंस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये ट्रेड के हिसाब से हमारा जो कंडीशन 4 है उसके हिसाब से एक एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पर एंट्री बनेगा नहीं. ओके बिकॉज हो सकता है किसी भी टाइम पे प्राइस यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा. ऑल्सो एट द सेम टाइम क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला रेंज है, हो सकता है प्राइस इसके ऊपर जाए. बट अगर इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएगा, ये रेंज 30-35 पॉइंट से ज़्यादा है या नहीं है, हमें वो देखना है. तो 82 जो है, 682 इज़ द पॉइंट जहाँ पर हमने अगर रेंज ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो 682 के आसपास कहीं पर बाई बनेगा. और ये जो टॉप मोस्ट जो लाइन दिख रहा है आपको, मतलब ये जो 50 मूविंग एवरेज का जो लाइन दिख रहा है, उसका वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं यहाँ पर जो ब्लैक लाइन अभी रखा है कर्सर को, वो अगर आप देख रहे हो तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 712. तो हिसाब से कितना बन रहा है, 82 से 92, 102, 112, लगभग 30 पॉइंट्स का बन रहा है. बट ये तीनों कैंडल का जो रेंज था, दैट वॉज मोर देन 30 पॉइंट्स. सो द कैच ऑफ द डे इज, और द लर्निंग ऑफ द डे इज, कि ये तीनों कैंडल का सेटअप तो बन गया, लेकिन ये तीनों कैंडल का सेटअप एक ऐसा सेटअप है जिससे ना तो प्राइस ऊपर रेंज ब्रेक करके जाएगा, ना ही प्राइस इस तीनों का कैंडल का रेंज को नीचे ब्रेक करके आएगा. आएगा मतलब आएगा ज़रूर, बट 1:1 का आउटपुट नहीं देगा. सो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? सो ऐसे सिचुएशन में अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर्स ट्रेडिंग स्टाइल. जैसे ये प्राइस कोई अचीव कर लिया इस पॉइंट के आसपास, कहीं पर भी किसी ने अगर क्विट करना चाहे तो क्विट कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रेडर अगर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है एंड थोड़ा जानकारी है कैसे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल किया जा सके, उन लोगों ने ऐसा किया होगा कि अपना ये जो लो प्राइस है वहाँ पर, जैसे प्राइस ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ था 1 बजे के आसपास, जैसे इस कैंडल का इस नीचे का रेंज को ब्रेक किया, वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, सो दैट एटलीस्ट दिन में और कुछ होना हो, जो भी प्रॉफिट मिला उतना तो मिल जाए. सो जैसे दोस्तों हम लोगों ने कुछ 74 के आसपास पॉइंट में एंट्री लिया था एंड दिस पॉइंट वाज अराउंड 47, तो अगर किसी ने यहाँ पर भी बुक कर लिया होगा तो लगभग 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो ऑलरेडी बुक कर लिया होगा. या फिर गोइंग बाय द स्ट्रेटजी अगर हम देखते हैं, अगर ये सब कुछ भी अप्लाई ना करके सिंपल सीधा ऑसम निफ्टी स्ट्रेटजी का डेफिनेशन को मान के चलेंगे, तो हम लोग ऐसे कर सकते थे कि जैसे भी एग्जिट क्राइटेरिया बनेगा, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि 5 green green कैंडल का सेटअप जैसे बनेगा हम एग्जिट कर जाएंगे, या फिर अगर लगातार बैक टू बैक 3 green कैंडल का सेटअप बनेगा तब हम एग्जिट कर जाएंगे. तो देखते हैं ऐसा कहां पर बना था. जैसे पूरा दिन में हमने ट्रेड लिया, 10:45 का जो कैंडल था ऊपर ग्रीन था, नीचे ऑसम ऑसिलेटर का कलर भी ग्रीन था, तो ये एक सिचुएशन बनता है काउंट में, आई मीन जो पांच नॉन कंसेक्यूटिव कैंडल का काउंट में आता है, तो वो एक सिचुएशन बन रहा था. सेकेंड वॉज राइट नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद 11 AM वाला जो कैंडल था वो भी ऐसा ही था. तो सिमिलरली ऐसे 2 कैंडल फॉर्मेशन हम लोगों का सुबह सुबह हो गया था. उसके बाद 1:15 बजे एक और कैंडल फॉर्म हुआ,
उसका अगला कैंडल, 1:30 बजे का कैंडल एंड 1:45 का कैंडल। सो ये तीन कैंडल का एक ऐसा सेटअप था फ्रेंड्स, जो तीनों कैंडल का सेटअप देख के आपको एग्जिट करना है। ओके, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए नीचे आए डजेंट मैटर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये प्राइस एक्शन के नीचे जैसे ही अगला कैंडल ओपन होगा तुरंत वहाँ पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो। आई मीन यू कैन मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस, या फिर यू कैन ट्रेल विद द स्टॉप लॉस, या फिर यू कैन एग्जिट। ओके, सो बहुत सारे ऑप्शंस था आज ट्रेडर्स के पास। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के 1:1 कर लो या 1+1 2 कर लो, जैसा है वैसे बुक कर लो, ऐसा नहीं था। टुडे इट वॉज अ लिटिल इंटरेस्टिंग डे आई शुड से। ओके, आई शुड नॉट से ट्रिकी बिकॉज इट्स ओके, ग्रेजुअली देर आर, आई नो देर आर मेनी बिगिनर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। उन लोगों को थोड़ा सा मन में बहुत सारा क्वेश्चंस होंगे कि कैसे पता चलेगा कहाँ एग्जिट करना है कहाँ नहीं एग्जिट करना है। बट फ्रेंड्स, जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट को समझोगे, जैसे आप लोग टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करोगे, आपको बहुत ही अच्छे से ये सब पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, हाउ फास्ट यू हैव टू डू, कितना स्पीड में करना है, ये सब पता चल जाएगा दोस्तों। ओके, सो इन द एंड ज़्यादा बात बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सो ओवरऑल पूरा दिन वॉज पॉजिटिव, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द डे। एंड वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10-30 points टुडे इन अ रेंज ऑफ 10 points। किसी ने 10 point का प्रॉफिट किया, किसी ने 30 point का प्रॉफिट किया। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक चीज़ मैं आप सबको फिर से बोलना चाहता हूँ, जो मैंने मेरे मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर पे भी लगा के रखा, अगर आप ये देख रहे हो, पैशन, पेशेंस एंड परसिवियरेंस आर द कीज़ टू सक्सेस। फ्रेंड्स, अगर आप ये हफ्ता का वीडियोस देखे हो, मैं मेरे सारे ट्रेडिंग वीडियोस पोस्ट करता हूँ, एवरी डे आई पोस्ट अ वीडियो फॉर लर्निंग पर्पस, ताकि सबको आसानी हो अंडरस्टैंड करने में मेरे स्ट्रेटजी को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 consecutive days हम लोगों ने लॉस किया था। मंडे ट्यूसडे सॉरी आई मीन ट्यूसडे वॉज अ नॉन ट्रेडिंग डे, मंडे वेडनेसडे 2 दिन हम लोगों ने लॉस किया था, फ्राइडे को भी लॉस किया था। सो 2-3 दिन लॉस लगातार आप कर सकते हो। ओके, इट डजेंट मीन दैट द स्ट्रैटेजी हैज़ फेल्ड इफ़ यू हैव मेड 2 or 3 losses, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी इज़ अ नो लॉस इंट्राडे स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स। एंड बाई नो लॉस इंट्राडे स्ट्रैटेजी आई मीन कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहे हो लगातार फॉर मंथ ऑन मंथ, देन यू विल रिटर्न, यू विल गेट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इवेंचुअली इट विल बी अ पॉजिटिव काइंड ऑफ अ सेटअप। सो फ्रेंड्स, यही मंत्र यही है जो मैं फॉलो करता हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। पैशन तो डेफिनेटली है आप सब में, इसीलिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग का वीडियो देख रहे हो। पैशन इज़ ऑलवेज देयर, इट हैज़ टू बी देयर। उसके साथ साथ थोड़ा सा पेशेंस एंड थोड़ा सा परसिवियरेंस की ज़रूरत है। परसिवियरेंस इज़ बीइंग कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंटली डूइंग समथिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर मे बी द सिचुएशन, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमेशा ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड उस पर यूज़ करके ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो ये जो एक विल पावर है, ये अगर आप में है और कोई भी ट्रेडर में, ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग, एक दिन एक स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, दूसरे दिन कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे। ओके, सो 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करने आते हैं मेक लॉसेस फ्रेंड्स, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, इंडिया का मार्केट हो, इंडिया के बाहर का मार्केट हो, कहीं भी। ओके, दैट्स अ रूल। तो 10% में अगर आपको बने रहना है, सो दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला फ्रेंड्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इट्स फ्राइडे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड फ्रेंड्स। बहुत ही जल्द मैं मेरे दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, ग्रेजुअली आएगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पिंग करते रहते हैं, कमेंट्स पे भी डालते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी चाहिए। यस फ्रेंड्स, आई विल कम अप विद ऑल द स्ट्रैटेजीज जो भी यहाँ पर मैंने लिख के रखा, एंड आई हैव गिवन सम इंटरेस्टिंग नेम टू इट। ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी से मैंने शुरू किया, इसके बाद बैंक निफ्टी का भी कुछ स्ट्रैटेजीज है, इक्विटी फ्यूचर्स का कुछ स्ट्रैटेजीज है, जैक स्विंग के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग सा स्ट्रैटेजी है, एंड डेफिनेटली देर इज़ अ कोर्स फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, द फ्यूचरिस्टिक बिगिनर, जिसका मैंने नाम रखा। एकदम बेसिक से आपको सिखाया जाएगा कि क्या है स्टॉक मार्केट एंड कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ से लेके हाउ टू बी अ प्रो इन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। ओके, सो मैं ऑप्शंस नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि ऑप्शंस बहुत रिस्की होता है,
इसके लिए मैं ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फ्यूचर्स में ही ट्रेड करता हूँ। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में, जानने में कि कैसे ट्रेड किया जा सकता है एंड ट्रेड करके कैसे कंसिस्टेंटली एक स्टेडी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मेरा मेल आईडी है, आप प्लीज़ फील फ्री टू रिच मी एनी टाइम 24x7। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर पेशेंटली वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो इट्स अ बिट लॉन्गर बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन लर्निंग दिस स्ट्रैटेजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Good luck and happy trading to all of you. See you again next week. Goodbye.